तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ऐसे जा रहा था इधर से तो इधर चला आया। कोई काम है? नहीं मजनू भगवानी, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। अच्छा हुआ, अच्छा वो आप मिल गए। स्टोरी भगवानी को दे दीजिएगा। मधु सुना से इस वक्त बात नहीं करूंगी। कल आकर मुझसे मिलना। साले साहब काहे को इस झमेले में पड़ते हैं? हमको समझ में नहीं आता कुछ। अरे अरे ये जमींदार लोग हैं, आपको मालूम नहीं है कि अगर छोटे बाबू और मजले बाबू को इस बात का पता चला ना तो वो चमड़ी तो उधेड़ेंगे उधेड़ेंगे, साथ में आदमी को जिंदा दफना देते हैं। वो लोग साहब लोग हैं, हम लोग ठहरे गुलाम। हमको इन लोगों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप जाइए, जाके मुंह हाथ धो के आप बैठिए, हम आपके खाने का बंदोबस्त करते हैं। आप जाके बैठिए, जाइए। क्या हुआ? इसका क्या करूं? ये तुम ही ले जाओ। हाँ? दे दीजिए हमको, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप जाके आराम कीजिए, जाइए जाइए, हम आपको खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ मैं देखता हूँ। कैसी हो चुन्नी? तशरीफ रखिए। क्या बात है चुन्नी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं। हाँ हाँ हुजूर, मैं ठीक हूँ। आज इतनी जल्दी आ गए आप? नहीं आ सकते। कैसी बात कर रहे हैं? आज सुबह से ही तुम्हारी बहुत याद आ रही थी चुन्नी, सोचा तुमसे मिलने जल्दी आ जाए। अच्छा किया ना? जी हुजूर, ये जाम लीजिए। क्या बात है, आज सिर्फ जाम? महफिल नहीं जमेगी? हुजूर महफिल जरूर जमती, लेकिन आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस जगह मेरा जी नहीं लगता। क्या बात है चुन्नी, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम कुछ सोच रही हो। सब ठीक तो है ना? मैं जानता हूं ये जगह कुछ ऐसी है कि और फिर सही बात तो है, जब जी नहीं लग रहा तो फिर महफिल कैसे जमेगी। खैर कोई बात नहीं। हुजूर, आप मुझे किसी नई जगह ले जाने की बात कर रहे थे? हाँ, वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है। काम खत्म होते ही हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। चुन्नी, नई जगह जाने की बहुत जल्दी है तुम्हें। क्यों? नौकरी छोड़ दी? क्यों? वो लोग मुझे ढाका भेज रहे थे और मैं कलकत्ता शहर छोड़कर जाना नहीं चाहता। तुम्हारे जैसे लोग आजकल बनते हैं क्या? मैं यहाँ रात दिन एक कर देता हूँ विदेश जाने के लिए, और तुम एक शहर छोड़ के दूसरे शहर नहीं जाना चाहते। मेरे कुछ मजबूरियां हैं। अब ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें मेरे पास खींच लाई? नानी, मुझे नौकरी चाहिए, दिलवा दो ना। भाई मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक उलझन में फंसा हुआ हूं, मसला हल हो जाए हम तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे। बस कुछ दिन। कितने दिन? दिन क्यों गिनते हो? सुना है कि छोटी बहू तुम पर बहुत मेहरबान है। आजकल तुम घूमते हो एक साथ। शहर में जो भी कुछ होता है। अच्छा सुना है वो पीने लगी। जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? पिलाया किसने? बताओगे तो नहीं? बड़े हो गए तुम यार, बच्चे वाली बातें मत करो। बताओ। असल में मैंने उन्हें ला कर दी थी पहली बार। उन्होंने इस तरह से कहा कि मैं उन्हें मना नहीं कर सका, मजबूर कर दिया मुझे लाने के लिए। इस कारण मेरी आत्मा मुझे कोस रही है नानी। तुम अपनी आत्मा से भी बात करते हो? पीता है ना वो पिएगा। नहीं चाहिए, मैं पीता नहीं, तुम्हें पता है ना। इसलिए तो कह रहा हूँ, जिसे पीना है वो पिएगा। अब तुम नहीं ला कर देते, कोई और ला के देते। अरे हमें बता देते, हम पिला देते। छोटी बहू, देखो तुम छोटी बहू के बारे में ऐसी बात मत करो नानी, मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात करता हूँ, बहुत खूबसूरत है ना। फिर वही तीसरी बात करो। जबा कैसी है? मिलते हो ना तुम जबा से? कहाँ है वो अपने पुराने मकान में रहने गई है, बाहर शिमला। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। नन्हे ने भी खदान खरीदी। छोटी बहू की बातें करो, उनके बारे में कुछ मत पूछना मुझे। मना तुम क्या करोगे? क्या करोगे? मैं चलता हूँ। अय्याशी की जिंदगी जीते हो तुम। छोटी बहू बढ़िया, उसके बाद जवाब ही और दुखी भी रहता। हमें देखो तो सोच सोच कर ही खुश है। मिलेंगे हम। दीदी बाहर कोई आदमी आपके नाम की चिट्ठी लेकर आया। तू ले आ चिट्ठी? नहीं, वो कह रहा है कि चिट्ठी आप ही को देगा। मुझे? ऐसा क्या है? अच्छा ले आओ उन्हें। जी अच्छा। आइए। नमस्ते। नमस्ते। क्या काम है? जबा मेम साहब के लिए एक चिट्ठी है। जी मैं ही जबा हूँ। जी नन्ही लाल बाबू ने मुझे भेजा है, ये चिट्ठी आप ही को देने के लिए कहा है। मेम साहब ये चिट्ठी आप जा सकते हैं। जवा कैसी हो? मैं खुद आना चाहता था मगर मैं जानता हूं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। कोई बात नहीं। देखो जबा, हम भी कभी ब्रह्म समाजी थे और इस नाते मैं सुगने बाबू की बहुत इज्जत करता हूं और इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे सामने सच्चाई पेश करूं। हम सब भूतनाथ को जानते हैं, बहुत भोला लगता है ना, लेकिन ये सच नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई जान लो। छोटी बहू के साथ उसके गहरे संबंध हैं। दोनों रात के अंधेरे में हवेली के बाहर अकेले घूमते हैं, शराब पीते हैं। और तो और हवेली में पहली बार भूतनाथ ही शराब लेकर आया था छोटी बहू के लिए। मैं जानता हूं जब तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन एक बार भूतनाथ से पूछ लेना, बस और कुछ नहीं। सुविनय बाबू को मेरा नमस्कार कहना और तुम अपना ख्याल रखना है। तुम्हारी याद अब भी आती है। तुम्हारा नन्नी। कि नई जगह के बारे में क्या बोले? ये कह रहे थे कि मरम्मत का काम चल रहा है, थोड़े दिनों में तैयार हो जाएगी जगह। चुन्नी, तुमने तो खूब दिमाग लड़ाया है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। जब तुम नाटू बाबू के साथ रहोगी, तब छोटे बाबू के साथ कौन रहेगा? देख वृंदावन, नाटू बाबू आज पहली बार शाम को आए हैं। वैसे तो रात को आते हैं। हाँ। और छोटे बाबू शाम को आते हैं। हाँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं छोटे बाबू को इतना पिला दूंगी कि उन्हें होश ना रहे, और नाटू बाबू रात को ही वापस चले जाते हैं, जबकि छोटे बाबू भोर होने पर जाते हैं। तो मैं भोर होने से पहले ही छोटे बाबू के पास वापस आ जाऊंगी। क्या बात है चुन्नी, तुमने क्या दिमाग पाया है, और मैंने तो तुम्हें बिल्कुल। हाँ हाँ, ये आप ही की तो सोबत का असर है हुजूर, वरना हमारी क्या मजाल। अच्छा। जबा, जबा वो जबा, मैंने नौकरी छोड़ दी। लोग मुझे आज ही ढाका भेज रहे थे, अगर चला जाता तो। साफ साफ क्यों नहीं कहते? छोटी बहू अकेली रह जाती। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? हाँ, वो छोटी बहू की तबीयत वाकई बहुत खराब है जाबा। और दूसरी बात, पहले पहली बात समाप्त हो जाने दो, फिर दूसरी बात करेंगे। तुम्ही ने पहली बार छोटी बहू को